सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है ट्रैक स्टार गेमिंग की एक और अमेजिंग वीडियो में। तो आज गाइस हम सोलो वर्सेस डुओ कैसे खेला जाता है उसके ऊपर कुछ 10 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। पूरा मैं बताऊंगा कि भाई कैसे सोलो वर्सेस डुओ खेलें। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सोलो वर्सेस डुओ खेलना, क्योंकि बहुत सी सिचुएशन में जब आप स्क्वाड मोड में खेल रहे होगे तब हो सकता है कि आपके टीममेट्स मर जाएं, तो तब आपको अकेला खेलना पड़ेगा। और तब अगर आपका गेम प्ले ऐसा रहेगा कि आप पूरी स्क्वाड को वाइप कर दो अकेले ही, तो यहाँ पे आपके टीममेट्स बोलेंगे भाई तू तो लेजेंड बन गया यार। तो लेजेंड बनने के लिए मतलब सोलो वर्सेस डुओ स्क्वाड ज़रूर खेलना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को छोटे से इंट्रो के साथ। ओपी वाला गेम प्ले दिखाऊंगा यहाँ पे सोलो वर्सेस डुओ खेलकर आपको बताऊंगा, उसमें ही मैं जो है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो अब ये वाला गेम प्ले में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं उतर रहा हूँ रिफाइनरी पे, यहाँ पे उतर रहे हैं मेरे साथ दो डुओ हैं शायद दो। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले गाइस लैंडिंग की बात करते हो तो लैंडिंग एकदम ओपी करनी चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़े बंदों से दूर रहना चाहिए और गन के ऊपर ही हमेशा उतरना चाहिए, क्योंकि आपके पास गन नहीं रहेगा तो क्या करोगे। यहाँ पे मेरे को गन दिख रहा है, अरे भाई साहब हुक वाली गन है भाई साहब, ये तो लोल हो चुका है। मेरे को लगा कोई अच्छी गन है यहाँ पे, ये हुक वाली गन निकली। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से अपन गन देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे आसपास ज़्यादा बंदा नहीं है। और हमको क्या मिलता है, MP40। भाई साहब आप तो कुछ चाहिए ही नहीं भाई, ज़िंदगी बन गई यार। तो हमेशा एक ओपी गन के ऊपर ही लैंड करो, सबसे पहली टिप तो ये आती है। और उसके बाद बंदों को मारने जाओ, ये नहीं कि भाई पहली बंदा। और भाई ऊपर से एक बंदा टपका, भाई इसके हाथ में कुछ नहीं है भाई, बेचारे का लोल होने वाला है, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत बेरहमी से मारूंगा यार। हेडशॉट देखे ही मारेंगे यहाँ पे जल्दी से, एक छोटा सा हेडशॉट 137 का और बंदा नॉक, यहाँ पे किल कर देंगे पूरा। मतलब ऐसे बंदों को तो कभी छोड़ो ही मत जिनके पास गन नहीं है भाई, शुरू शुरू में होता है कुछ बंदों के पास गन नहीं होती। यहाँ पे गाइस बाउंड्री से मेरे को ड्रैगन ऑफ मिल चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट लॉन्ग रेंज गन होती है भाई साहब, बहुत ओपी चलती है भाई, क्या ही बोलूँ। मतलब लॉन्ग रेंज में एकदम ओपी गन है, आप इसी को यूज़ करना, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऊपर कहीं ना कहीं तो बंदा है यार, मेरे को आवाज़ आई। तो यहाँ पे जल्दी से मैं थोड़ी बहुत लूट करूँगा। दो गोली वाली शॉट गन भी मिल गई चुकी है मेरे को यार, मतलब मेरी जो दोनों फेवरेट गन्स है ना गाइस, वो दोनों गन्स मेरे को मिल चुकी हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट गन है। तो हमेशा ऐसी गन्स को ज़रूर ढूंढना। तो मेरे को लग रहा है छतरी के ऊपर कोई ना कोई बंदा है। और यहाँ पे देखो हमें एक प्रो माइनस मिल चुका है, जिसके पास फार्मस है मतलब प्लाज्मा है। यहाँ पे मेरे को अच्छा डैमेज दे यार बंदे ने, मैंने दो गोली मारी बंदा नौ। तो देख सकते हो मेरा 2 GB का फोन है, इसलिए मेरा बड़ा ज़ोर से लैग करा। तो कोई दिक्कत नहीं, लैग को हमेशा गाइस थोड़ा बहुत स्मूथ ग्राफिक्स में खेलो और लैग को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैंने उसको मार दिया, जल्दी से मेडिक आएंगे। मतलब फ्री के किल थे यार अभी तक तो, मतलब दो किल किए हैं, दोनों फ्री के हैं एकदम। एक के पास गन ही नहीं थी, एक के पास प्लाज्मा थी। चलो कोई नहीं, एक और नीचे बंदा जा रहा है, जल्दी से ड्रैगन ऑफ का डैमेज देखो भाई साहब, ड्रैगन ऑफ का क्या ही डैमेज होता है भाई, बंदा चला गया। ओ भाई हार्ट अटैक, किडनी फेल भाई, एकदम से बंदा दिख गया। तो बंदे ने मेरे को डैमेज दिया, मेरे को लग रहा है वो घूम के आ रहा होगा मुझे मारने। तो अपन विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब उस साइड से घूम के जाते हैं, जल्दी से इधर से घूम के जाएंगे और देखना भाई क्या ही मारूंगा। और ये ओपी वन टैप, मतलब क्या ही बोलूं। और अगर वन टैप के ऊपर जो मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं बना चुका हूं, आपको जल्दी से जाके उस वीडियो को मतलब इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखना वन टैप के ऊपर, और उसके बाद आप इसी तरीके से ये वन टैप मार पाओगे, क्योंकि वन टैप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आजकल सोलो वर्सेस डुओ में। तो करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को कट, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, यहाँ पे मेन फाइट ही देखेंगे अपन। तो यहाँ पे आ चुके हैं अपन, कहाँ पर, कौन सी जगह यार, फाउंडेशन नाम की जगह है हाँ ये। तो यहाँ पे एक बंदा स्कैनर में दिख रहा है, पॉपुलू माने शायद, देखते एक ही बंदा है यार, डुओ मिले पूरा तो मज़ा आए। क्योंकि अगर आपको अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा बंदों को मारना आना चाहिए यहाँ पे यार, एक बंदे को मारने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अगर टूर्नामेंट वगैरह खेलोगे ना तो वहाँ पे बहुत बार होता है कि यहाँ पे आपको अकेला मतलब दो बंदे एक साथ मिलेंगे। तो जल्दी से इस बंदे को ढूंढेंगे, तो कभी भी गाइस थोड़ा सा देख के ही रहना, कहीं बंदा आसपास भी हो सकता है कहीं पर भी। तो यहाँ पे मैंने बंदा देख लिया, यहाँ पे ये ग्लू वॉल लगा रखी है, यहाँ पे अपन स्कोप करेंगे और पट्टे से हेडशॉट। भाई क्या भाई गांजा कुके बैठा था क्या भाई, बंदा क्या कर रहा था यार, मुझे नहीं पता, बस बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा था यहाँ पे, शायद बंदे की प्लानिंग थी घर बार यहीं बसाने की। तो कोई नहीं, अपन ने पट्टे से हेडशॉट दे दिया है।
अपने हो चुके हैं यहाँ पे, कितने किल हो गए भाई, 5 किल हो चुके हैं, जो कि अमेजिंग बात होती है। कहीं भी मतलब किसी भी मैच में आपको 10 किल तो होने चाहिए यार, मतलब 10 किल भी नहीं तो 5 किल तो कर दो यार हर मैच में। अगर आप 5 किल कर रहे हो ना तो आप एक प्रो मानस हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट करके यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरे को लग रहा है बंदा मिलेगा, वो गाइस एकदम हार्ट अटैक बंदा मिल गया भाई साहब ऐसा। तो यहाँ पे देखना गाइस क्या ही करूँगा मैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नूप वॉक करी और मैंने ये बंदे को पट से हेडशॉट 1 टैप कर दिया। तो 1 टैप की वीडियो जानती हो कहाँ पर मिलेगी आपको, अपने चैनल पे मिल जाएगी, जल्दी जाके उस वीडियो को देख लेना, आपको 1 टैप आ जाएगा ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताऊं, अगर आप 2 गोली वाली शॉटगन चलाते हो तो एक ओपी वाली टिप दूंगा कि आप जो है ये बुशीडो करके जो कैरेक्टर रहता है ना, मतलब हायाटो की स्किल, इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे ना आर्मर का जो पोटेंशियल रहता है ना वो बढ़ जाता है, तो आदमी को 10-20% डैमेज ज़्यादा लगता है। क्योंकि होता क्या है ना, 2 गोली आप चला देते हो उसके बाद भी बंदा 10-20 HP का बच जाता है, तो ये लफड़ा हो जाता है 2 गोली वाली शॉटगन से, इसलिए आप जो है बुशीडो की स्किल जरूर लगाना। तो थोड़ा सा वीडियो कट करके हम आ चुके हैं यहाँ पे बे पॉइंट में, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे को अच्छे खासे बंदे मिलेंगे। यहाँ पे जो सीन होगा ना गाइस वो देखने लायक है भाई, सामने 2 बंदे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे एक को 51 लगा, दूसरे को 57, मतलब जो सीन होगा ना यहाँ पे गाइस वो देखने लायक है भाई साहब, मतलब जिस तरीके का फाइट होगी भाई साहब। तो कुछ नहीं, मैंने सोचा कि यार उस वाले घर पे चलते हैं, यहाँ पे मेरे पे जोन नहीं है बिल्कुल भी, तब भी मैं बंदों को मारने जा रहा हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे पे जोन नहीं था तब भी मैं बंदों को सोच रहा था कि मैं मार दूंगा और मैं उनको मारने जा रहा था, जबकि मेरे को जोन कवर करना चाहिए था यहाँ पे। तो सामने से 2 बंदे हैं मेरे को लगता है, और यहाँ पे मेरे को बहुत ही हार्ड वाला डैमेज दिया भाई साहब, तब भी गाइस अपन ने बहुत हार नहीं मानी भाई, एंड तक हार नहीं मानी, मैं बता रहा हूँ भाई बहुत तगड़ा खेला। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी, मैंने बस एक ही मिस्टेक कर दी कि मैंने मतलब जोन कवर नहीं करा, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो इसलिए अब देखो सामने से एक मॉन्स्टर तो जा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, वो बंदे ने जोन कवर कर लिया, वो समझदार था भाई, बंदा समझदार था। तब भी गाइस मैं पूरी कोशिश करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है एक बंदा ऊपर आ चुका है, यहाँ पे जल्दी डैमेज देंगे, ये है 2 गोली वाली शॉटगन में, ये है गाइस देखो, पूरी रिकॉइल खा गई, फिर से रिकॉइल खा गई, और पीछे से मेरे को डैमेज पड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे वो बंदे ने भी मेरे को डैमेज बहुत ज़्यादा दिया। अब इस सिचुएशन में देखो गाइस, क्या मैं ये मतलब जगह से बाहर निकल सकता हूँ, तब भी देखना, मैं समझदारी से निकल ही जाऊँगा इस जगह से बाहर, क्योंकि मतलब सोचो गाइस जोन आ चुका है, सामने 2-4 बंदे हैं भाई साहब, तब भी मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगा। कमेंट करके बताओ कि मैं निकल जाऊँगा कि इस सिचुएशन से बाहर। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जोन आ चुका है और सामने से बंदा जा रहा है, जल्दी से 115 का दिया और जल्दी वो नॉक हो गया। तो यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा खून कट रहा है, तो ये जोन से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने बहुत सारे इनहेलर्स बचा के रखे थे, वो मेरे को पता था कि इनहेलर्स की ज़रूरत बहुत पड़ती है भाई गेम में, मतलब मेडिकेट ज़्यादा मत लो, लेकिन इनहेलर जितने हो सके लो। मेरे को यहाँ पे 10-15 इनहेलर्स थे ना, तो यहाँ पे देखना मैं इजीली जो है जोन कवर कर लूँगा, इजीली तो नहीं गाइस, बहुत कट रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खून कट रहा है, तब भी मैं मतलब जोन कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने लगभग जोन कवर कर लिया, और बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ही मुश्किल से, कैसी सिचुएशन में कर लिया, सामने बंदा जा रहा है 118 का भाई साहब, तो 2 गोली में बंदा नॉक हो गया, उसके पास रेस्ट नहीं होगी, एक और बंदा जा रहा है उसको रिवाइव देने, जल्दी से इसको भी नॉक करेंगे, मतलब किल लेंगे इसका, और ये दोनों बंदे किल भाई साहब, 9 किल हो चुके हैं गाइस अपने। यहाँ पर बहुत ही ओपी वाला गेम प्ले हुआ गाइस, मतलब मज़ा ही आ गया कि मतलब मैं कैसी सिचुएशन में जोन के अंदर से 4 बंदों के एकदम बीचों बीच से मैं बच के आ गया यार, ये तो गजब हो गया। मतलब इसको बोलते हैं स्किल से, मतलब दिमाग से खेलना, स्किल नहीं, और अगर मैं अच्छे दिमाग से खेलता तो यहाँ पे मैं पहले ही जोन कवर कर लेता, फिर मेरा बुआ एकदम इजीली था। यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत गंदा वाला सीन होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कोई बंदा नहीं है आसपास, लेकिन ऊपर से एक बंदे ने मेरे को देख लिया। अब ऊपर से देखा है तो समझ जाओ गाइस क्या होगा, यहाँ पे जोन भी चालू हो चुका था, मैं लूट भी नहीं पाया, ऊपर से एक बंदे ने बहुत कड़ा डैमेज दिया, पर यहाँ पे मेरे को लगा कि वहाँ पर है बंदा, लेकिन बंदा कहीं और था और मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे गया। मेरे को मैडी पहले खानी चाहिए थी यार, गलती मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी यहाँ पे, और मैं जोन भी कवर नहीं कर पाया, इतने मेरे को हेडशॉट पड़ गया, तो ये मेरे साथ दिक्कत हो गई। तो गाइस अब क्या ही बोले, मतलब ये बंदे ऊपर बैठा था इसलिए मेरे को इजीली से हेडशॉट दे दिया। तो कोई नहीं, यहाँ पे भाई, तो गाइस 9 किल अपन ने ऑलरेडी कर लिया, और सोलो वर्सेस स्क्वाड में 9 किल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स से आप जो है आसानी से यहाँ पे बूया कर सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक।